वरिष्ठ अधिकारी मेट्रो के आए हुए हैं जो आपके साथ यहाँ पर रहेंगे ताकि हम दया दर में यहाँ पर बुला पाए। दिल्ली मेट्रो में अब जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है वो 100 किलोमीटर के रफ्तार पे चल रही है आज से, और एक महीना तक ये 100 किलोमीटर की रफ्तार पे चलेगी। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसका परफॉर्मेंस 100 किलोमीटर की स्पीड से। जो भी मेट्रो का स्पीड इंक्रीज होता है वो कमिश्नर फॉर मेट्रो रेलवे सेफ्टी, वो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होते हैं जो सैंक्शन देते हैं कि स्पीड ट्रेन की क्या रहेगी एक सेक्शन में। तो उन्होंने अभी 100 के स्पीड का सैंक्शन दिया है एक महीना के लिए। आप ही उन्होंने कहा है कि आप 100 पे चलाइए, इसके रीडिंग्स लीजिए, इसकी ऑब्जर्वेशन कीजिए, ट्रैक और ट्रेन का इंटरफेस देख लीजिए, और ये सब का जो डेटा है वो फिर एनालाइज करेंगे, और एक महीना बाद उनके परमिशन के जब मिलेगी तब ये स्पीड एक्सपेक्टेड है कि आफ्टर अ मंथ, आई डोंट नो एक महीना बाद कितना टाइम बाद, लेकिन उसके बाद अगर ये सब सेटिस्फैक्ट्री रहा तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 110 पे ये ट्रेन चलेगी। बड़ी अच्छी बात है, ट्रैवल टाइम कम होगा, लोग तो खुशी होंगे। बहुत अच्छा फैसला हुआ है दिल्ली मेट्रो में कि टाइम बचाया जा रहा है हर एक पैसेंजर का, तो कांग्रेचुलेशन फॉर दैट कि हम लोग का टाइम बचेगा, और टाइम से सेक्टर 21 से नई दिल्ली जाने में हमारा एक घंटे लगता था, 15 मिनट या 17 मिनट में जाएगा, तो कांग्रेचुलेशन फॉर DMRC।